हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी ब्यूटी केयर। मैं हूँ पूजा। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो आज मैं एक फिर से फेस पैक लेके आई हूँ, होममेड। बहुत ही अच्छा फेस पैक है फ्रेंड्स। इस विंटर सीजन में अगर आप अपनी स्किन को पेम्पर नहीं करेंगे, अपने स्किन पर कोई फेस पैक नहीं लगाएंगे, तो आपकी स्किन डल, ड्राई, डैमेज हो जाएगी। आप 30 के होंगे तो 20 के लगने लगेंगे अगर ये पैक लगाए तो। ये बहुत ही असम पैक है फ्रेंड्स। अगर आपकी एज कितनी भी हो, ये पैक लगा सकते हैं आप। अगर आप 20 के हैं, 25 के हैं, 30 के, 35 के, 40, 50, आप जितनी की भी हो, आप ये पैक डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपकी शादी होने वाली है फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, अगर आपकी शादी हो रही है, अगर इंगेजमेंट होने वाली है, अगर आपके घर में शादी है, अगर आप चाहती हैं कि फेशियल कराना चाहती हैं पार्लर जाके, आप पार्लर में खर्च नहीं करना चाहती हैं, तो ये पैक ट्राई करिए फ्रेंड्स। ये पैक डेफिनेटली आपको पार्लर जैसा निखार देगा। और हाँ, इसके पहले मैंने जो होममेड फेस पैक दी हूँ उसका भी रिजल्ट ऑसम है, इसका भी रिजल्ट ऑसम है। आप एक बार ट्राई करिए फ्रेंड्स। मेरे चैनल पे जितने भी मिलेंगे आपको होममेड ही फेस पैक मिलेंगे। जितने भी मैंने बताए हैं वो अपने स्किन पे अप्लाई किया है। अगर मुझे बेस्ट रिजल्ट मिला है फिर भी मैंने आपके साथ शेयर किया है फ्रेंड्स। अगर आपको किसी तरह का वीडियो देखना है, अगर आपको कोई चीज़ का रिव्यू देखना है, तो आप मेरे चैनल पर आकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस तरह का वीडियो बना के दूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हेयर कलर का वीडियो देखना है, मैंने अभी अपना लेयर कटा लिया है बाल। मेरे बालों का लेंथ लंबा था, मैंने लेयर कटाया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने हेयर वाला भी वीडियो आपके साथ शेयर करूं, तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। आप मेरे चैनल पर आकर कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे बहुत ही अच्छा लगे और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी। अगर जिस तरह की वीडियो देख, हम एक बॉल ले लेंगे, बॉल ले लेंगे, उसी में फेस पैक बनाएंगे हम अपना। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है जो हमारा गेहूं का आटा है, जिसकी हम रोटियां बनाते हैं घर में, वही आटा है। आप एक चम्मच, आधा चम्मच अपने फेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा कचुम्बा हल्दी है, ये हमारी स्किन के लिए यूज होता है, वर्ल्ड टर्मरिक, वही हल्दी मैं ली हूँ। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं। उसके बाद मम्मा अर्थ का मैं एलोवेरा जेल डाल रही हूँ। आप चाहे तो फ्रेश एलोवेरा जेल डाल सकते हैं, पतंजलि का एलोवेरा, आपके पास जो भी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद हम एक चम्मच नींबू, लेमन जूस डालेंगे। नींबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी होता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद इसमें हम हनी डालेंगे। हनी अगर आपको सूट नहीं करता तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको लेमन जूस सूट नहीं करता है तो आप स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके जगह आप आलमंड ऑयल डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसका जो पेस्ट बनाएंगे वो है दही। दही आप देख सकते हैं, मैंने एक चम्मच उतना दही डाला। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसका हम अच्छे से पेस्ट बना के तैयार करेंगे, ताकि हमको अपने स्किन पे ले पा सके। फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरा पैक बन के तैयार हो गया है। किस तरह, सबसे पहले हम अपने स्किन को क्लीन करेंगे। मैंने फेस वॉश किया था अपना पैक लगाने से पहले, फिर भी मैं आप लोग के सामने रोज़ वाटर से फेस को क्लीन करके दिखा दे रही हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी मेकअप नहीं लगाया है पैक लगाने के बाद। सो फ्रेंड, देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर लेके कॉटन से अपने फेस को साफ कर रही हूँ। देख सकते हैं थोड़ा सा भी जो भी डस्ट वस्ट पड़ा था वो निकल गया कॉटन के मदद से। उसके बाद हम इस पैक को अप्लाई करेंगे अपने फेस पे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है गेहूँ का आटे। अगर आपको अपने स्किन टोन बढ़ाने हैं तो आप गेहूँ की आटी जो है उसकी अगर आप पैक लगाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हल्दी हमारी स्किन को इतना अच्छा निखारेगा, पैम्पर करेगा कि आपको दुल्हन के जैसे निखार मिलेगा। हनी, लेमन और हनी एक ब्लीच की तरह काम करता है, जो आपके स्किन को नेचुरल ब्लीच जो है ना, उस तरह की काम करेगा। अगर आपको ब्लीच सूट नहीं करता है तो आप ये पैक लगाइए, बहुत ही अच्छा सूट करने वाला है। एक तरह से ब्लीच ही है जो मैंने पैक बताया है वो। अगर आप दुल्हन बनने वाली है, शादी होने वाली है, तो ये पैक लगाइए फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट ऑसम है। एलोवेरा जेल आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, आपको यूवी रेज से बचाएगा, अगर सनबर्न की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ठीक करेगा, अगर अपनी स्किन पर पिंपल नहीं होने देगा, झुरियाँ, झाइयाँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप नेचुरल फेस पैक लगा रहे हो, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, सबसे पहले आप कोई भी पैक लगाओ तो पैच टेस्ट कर लो फ्रेंड्स। अगर आपको कोई सूट नहीं करता है तो आपको स्किन पर रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए आप पहले पैच टेस्ट कर लो। देख सकते हैं मैंने पैक लगा लिया है। मैं 10 मिनट रखूँगी, 10 मिनट से बाद देख सकते हैं किस तरह का मेरा पैक सूख गया है। अब इसको पानी से धो के आके दिखा रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, देख सकते हैं मैंने पानी से धो लिया अपना फेस, कितना क्लीन लग रहा है, कितने एक दो टोन आपका स्किन टोन बढ़ ही जाएगा अगर आप ये पैक
लगाओ तो देख सकते हैं कितना अच्छा नेचुरल ग्लो दिख रहा है मेरे स्किन पे। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी ब्लीच करी है, जाके पार्लर से करा के आई है। सो फ्रेंड देख सकते हैं यही था मेरे पिक। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। और कोई भी पैक लगाने के बाद आप टोनर ज़रूर लगाइए। मैं देखिए मैं रोज़ वाटर लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ, स्किन एकदम ग्लोइंग ग्लोइंग दिखेगा अगर फ्रेंड्स। सो देख सकते हैं बस यही था मेरा आज का पैक। अगर आपको वीडियो देखनी है और भी तो आप मुझे चैनल पर आकर कमेंट करिए और भर भर के लाइक दीजिए, प्यार दीजिए।